बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि सऊदी अरबिया में, जैसा कि आपको पता ही, बारिशों का सिलसिला जारी है। मक्का अल मुकर्रमा में भी एक दो दिन पहले 24 घंटे ही आप बोरे बारिश लगी रही थी। जुमे वाले दिन की बात है जी। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ। खमीस मशीद जो मेरे भाई सऊदी अरबिया में मुकीम है वो तो जानते होंगे, मैंने खुद से गालबन 6 माह से 10 माह तक का वहाँ पर काम किया है खमीस मशीद में। तो आप भाइयों के साथ मैं पहले ये वीडियो शेयर कर दूँ। वहाँ की सूरत हाल देख कर मैं खुद हैरान रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने भाई 6 से 10 माह काम किया है ना, उस दौरान और उससे पहले भी, उसके बाद में मैंने कभी नहीं सुना था कि खमीस मशीद में ऐसा मौसम भी होता है। तो आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आपको बता भी देता हूं मैं। वो भाई बारिश हो रही थी खमीस मशीद में, गालबन 24 घंटे हो गए हैं इस चीज को लेकर, लेकिन गर्मियों में भी वो इलाका भाई काफी ठंडा रहता है। तो वहां से लेके ये वीडियो है, आप देख लें कि अभी तो बर्फ पड़ने लगी है बारिश के साथ, यानी कि बारिश भी हो रही है उसके साथ बर्फ भी आ रही है नीचे। तो मैं खुद देखकर पहले हैरान लगा हूं कि ये भाई कौन सा इलाका है सऊदी अरेबिया का जहां पर ऐसा मौसम बना हुआ है। जब मैंने पूरी डिटेल में गया हूं तो ये खमीस मशीद जब मैंने नाम पढ़ा है तो मैं खुद हैरान रहा हूं। खमीस मशीद हालांकि ठंडा इलाका है लेकिन बर्फ नहीं होती है वहां पर। तो आप लाइव मनाजर देख सकते हैं, बर्फ के बर्फ की तह लगी है नीचे और गाड़ियों के ऊपर। सूरत हाल यह है कि सऊदी अरेबिया में इस वक्त मौसम काफी ठंडा है, गर्मी हालांकि आने वाली है। जैसा कि जद्दा मक्का मदीना वगैरह के इलाके हैं वहां पर तो थोड़ी बहुत गर्मी अभी महसूस होने लगी है, लेकिन दूसरे इलाकों में अभी भी काफी सर्दी है जी।